देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मौजूद हैं बेंगलुरु में विपक्ष की महाबैठक में शामिल होने के लिए। 17 तारीख को ही बेंगलोर पहुंच गए थे और 2024 के लोकसभा चुनाव साथ में लड़ेंगे कांग्रेस पार्टी के। लेकिन कांग्रेस के साथ आने से पहले इस बैठक में अरविंद केजरीवाल ने कंडीशन रखी थी दिल्ली के अध्यादेश को लेकर, और ये कहा था कि जब तक कांग्रेस पार्टी दिल्ली में जो केंद्र सरकार ऑर्डिनेंस लेकर आई थी, अध्यादेश लेकर आई थी, उस पर अपना स्टैंड साफ नहीं करेगी, तब तक उनका इस विपक्ष की दूसरी महाबैठक में शामिल होना मुश्किल है। जिसके बाद 15 तारीख को, 15 जुलाई को कांग्रेस पार्टी की पार्लियामेंट्री स्ट्रेटजी बोर्ड मीटिंग हुई और उस बैठक में ये साफ कर दिया गया कि केंद्र की सरकार द्वारा लाया गया दिल्ली में अध्यादेश जो है वो सही नहीं मानती है कांग्रेस और उसका विरोध करेगी। 15 तारीख को कांग्रेस ने ऐलान कर दिया कि कांग्रेस पार्टी संसद में केंद्र सरकार जब विधेयक लेकर आएगी, जो दिल्ली में ऑर्डिनेंस लेकर आई है, उसका विरोध करेगी। इसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पहली प्रतिक्रिया सामने आई 17 तारीख को और उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को थैंक्स कहा। मल्लिकार्जुन खड़गे को थैंक्स अरविंद केजरीवाल ने इसलिए भी कहा क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे का एक स्टेटमेंट भी आया था जब मीडिया ने उनसे बातचीत की और पूछा कि आपकी दिल्ली और पंजाब की इकाई तो विरोध कर रही थी कि आपको अध्यादेश पर समर्थन नहीं करना चाहिए अरविंद केजरीवाल का। उस पर जवाब देते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये कहा कि संविधान को अगर कोई चोट पहुंचाने का काम करेगा तो फिर जो संविधान को बचाने की लड़ाई में एक साथ हैं वो फिर एक साथ आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर कोई व्यक्ति इम्पोर्टेंट नहीं है। क्या कहा एग्जैक्टली मल्लिकार्जुन खड़गे ने वो आपको सुनाते हैं और उसके बाद किस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे के स्टेटमेंट पर अरविंद केजरीवाल ने रिएक्शन देते हुए उन्हें थैंक्स कहा, ट्वीट किया, वो भी आपको दिखाएंगे। देखो, किसी एक व्यक्ति का प्रश्न नहीं है और कोई व्यक्ति महत्व नहीं होता देश के सामने। देश के डेमोक्रेसी को और देश के संविधान को अगर ठोस पहुंचती है तो हमारा कर्तव्य होता है कि हम एकजुट होकर जो लोग इस संविधान को बचाने वाले हैं और डेमोक्रेसी को बचाने के लिए एक होते हैं तो हम इसमें मिलकर काम करेंगे। कोई व्यक्ति देश के सामने बड़ा नहीं हो सकता, वो हमारी ये है। और उनके सामने सिर्फ क्या है, तोड़फोड़ करने का ही है और वो तोड़फोड़ करते ही रहे हैं। और जब उनको मौका मिलता है, जो चुन के आते हैं उनको तोड़ते हैं और ये भी कहते हैं कि हमारी बड़ी पार्टी हो गई है, ये हो। भाई, आपका अगर ठीक है पार्टी फिर तोड़ते क्यों हो? चुने हुए लोगों को आप ले जाते हो और उस यहां जब तक वो कांग्रेस में रहते, जब तक वो डीएमके में रहते, जब तक वो दूसरे हमारे पार्टियों में रहते, जब तक वो एनसीपी में रहते और या जेडीयू में रहते हैं, आरजेडी में रहते हैं और या टीएमसी में, वो उस वक्त वो करप्ट रहते हैं। और आप जब बुला लेते हैं तो आपके वॉशिंग मशीन में आकर वो क्लीन हो जाते हैं और आप वो जो काला कपड़ा डाल के व्हाइट निकालने में मशहूर है और दूसरों को भी यही बोलते हो, तो ये ठीक नहीं है। ये उनकी आदत है पहले से भी डराने का, धमकाने का, हरेसमेंट करने का, प्रेशर डालने का, वो कर रहे हैं तो उसको हम डरने वाले नहीं। तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का स्टेटमेंट आपने सुना, दिल्ली के ऑर्डिनेंस पर कांग्रेस पार्टी ने समर्थन का ऐलान कर दिया है। उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने मल्लिकार्जुन खड़गे को ट्वीट करते हुए थैंक्स कहा, वो ट्वीट भी आपको दिखा देते हैं। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए लिखा, दिल्ली के लोगों के साथ खड़े रहने के लिए खड़गे जी धन्यवाद। ये अध्यादेश भारत विरोधी और राष्ट्र विरोधी है और इसका डटकर मुकाबला किया जाना चाहिए। तो ये पहला रिएक्शन था अरविंद केजरीवाल का कांग्रेस के अध्यादेश पर समर्थन करने के ऐलान के बाद। और इसके बाद अरविंद केजरीवाल शामिल हुए बैंगलोर में जो विपक्ष की महाबैठक हो रही है उसमें। अरविंद केजरीवाल का स्वागत करते हुए कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया भी दिखाई दिए, केसी वेणुगोपाल दिखाई दिए, डीके शिवकुमार भी नजर आए और बैठक के दौरान के अंदर की तस्वीरें भी नजर आई जहां पर चर्चा हो रही है 2024 के लोकसभा चुनाव में कैसे विपक्ष केंद्र की मोदी सरकार को हराएगा। फिलहाल विपक्ष की महाबैठक पर दिल्ली तक पर बड़ी कवरेज जारी है, वो आप देखते रहिए और तमाम अपडेट्स के लिए दिल्ली तक को सब्सक्राइब जरूर करें।